देखो नाटक देखो नाटक देखो नाटक पेट की रानियों का देखो नाटक की जानकारियों का देखो नाटक पेट सो गए बड़ा भयंकर आओ हम बतलाएं इससे कैसे बचा जाए आओ हम दिखलाएं स्वास्थ्य की जानकारियों का देखो नाटक देखो 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 नाटक भैया देखो नाटक 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 तू नगर चढ़वाना हो तो जांच परख लो भैया तू नगर चढ़वाना हो तो जांच परख लो भैया पर नारी से यौन संबंध से डूबे अपनी नैया स्वास्थ्य की जानकारियों का देखो नाटक देखो नाटक देखो नाटक देखो नाटक ओ भैया 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 देखो नाटक देखो नाटक देखो नाटक नमस्कार समर्थक आज हम यहाँ दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सौजन्य से और अंबुज आर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से एक नुक्कड़ नाटक खेलने आए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि HIV यानी एड्स एक भयंकर महामारी का रूप लेकर हमारे स्वस्थ समाज में बड़ी ही तेजी से फैल रहा है। जी हाँ, एड्स यानी एक्वायर्ड एनीमियो डेफिशिएंसी सिंड्रोम फैलता है HIV नामक एक खतरनाक वायरस से। जी हाँ, HIV यानी ह्यूमन डेफिशिएंसी विषाणु। इस भयंकर नाक का दंश यदि एक बार किसी स्वस्थ व्यक्ति को डस ले तो इसका शिकार व्यक्ति धीरे धीरे मौत का ग्रास बन जाता है। जी हाँ, आज तक इस जानलेवा बीमारी से बचने के लिए ना तो कोई वैक्सीन है, ना इंजेक्शन, ना कोई उपचार और ना ही कोई इलाज। एक केवल जानकारी ही इसका बचाव है। तो आइए हम नाटक में देखते हैं किस किस तरह से HIV/AIDS हमारे स्वस्थ समाज को अपनी गिरफ्त में जकड़ने के लिए बेताब है। तो आइए देखते हैं दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सौजन्य से अंबुज आर्ट एसोसिएशन की प्रस्तुति नुक्कड़ नाटक जागृति। पले मेरी गड्डी खा इसको ले। अरे पंतक क्या बात है, इस बार तो टूर पर गया बड़ा से आकरा मैं आकरा। अरे केरा ने तुम आपका मार्केट बता दे। हाँ भाई, हमारे जेरे बिल्कुल ठीक ही कहा है, अपने दोस्तों ने क्या छुपाना यार, बता मेरे बंता, बता दे भाई। सच्चा जा पुत्रो, थोड़ा तो सबर करो, ये पहले मैं अपनी थकान तार ना, फिर सोचेंगे कि की बताना और की नहीं। अरे बंता सिंह, तू तो बहुत करता है यार,
मारे बारे में सब कुछ बूझ ले, अपने बारे में एक नहीं बताता। यार तुम तो बड़े ही मतलबी दोस्त हो यार। ये नहीं जी, पहले अपने दोस्त को कुछ पानी शानी कुछ चाय वाय पूछो। हाँ हाँ क्यों नहीं, और फिर खाना है ना अंतर करता। वाह भाई वाह राजू, मैंने एक बात नोट की थी है यार कि तू पीछे से भाई समझदार हो गया। उसकी जुल्फे जैसे नागिन टोप डाला के नाग यार, टकता जाए टकता जाए टकता जाए। उसकी आंखें जैसे यार पैमाने, ओ जैसे पटियाला के पैग यार, ओ पिंदा जा पिंदा जा पिंदा जाए। अरे देख राजू, जब ये ट्रक से उतरा था चंदा भाई के लक्षण समझ गया था जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो भाई यार जब देखो बीच में टोक देता है, अच्छा खासा बोल रहा था तब को कही के तू बोल मेरे बनता है। बता यार क्या बता रहा था, बताना यार। अरे बता दे भाई। अरे नहीं यार बता दे। अरे ऐसे मत कर भाई। उसकी आंखें यार जैसे पैमाना और बदन, और क्या कहूँ यार, मेरे तो बताना ही मुश्किल हो रहा है। जैसे आपस में और मेरे सिर गए यार, पूरी रात हाय वो मेरी जान और मैं अकेला यार। अब अकेले में क्या यार, कुछ आगे भी बोलना या अकेले में क्या बोलना। वही यार जो एक औरत के साथ रहते हो होता है यार। अरे तेरा मतलब वो सब कुछ। अरे हाँ यार अमर उदय ना तो बस यार क्या कहूँ, बस उसकी खुशबू अभी तक मेरे तन बदन में महक रही है यार। लो धन्यवाद। अबे तो इसने कौन सी गाड़ी हुआ था, अबे यार सेंट वेंट लगाती होगी, उसकी उसकी खुशबू जो है तेरे भेजे में घुस गया है। भेजे में नहीं यार तो लगाती है, पर अनुग्राहक देके जाते तोपे चिचदा। ओए शर्म कर, घरवाले होने के बावजूद भी तू नहीं कहती मेरा मुंह मारा। और तुझे नहीं मालूम आजकल तो टीवी पे रेडियो पे या अखबारों में यहाँ तक कि सरकार की तरफ से भी इस बात की चेतावनी दी जा रही है कि यौन अवैध शारीरिक संबंधों के कारण यौन रोग और एड्स जैसे भयंकर बीमारी हो जाती है। पड़ गया यार। ये जरूरी थोड़ी है कि मेरे को ये ऐसी बीमारी होगी यार। हद है यार हद है। मेरी तनु भी है यार कि ये बीमारी मुझे भी होगी। तूने देखी नहीं मेरी कसरती बॉडी, वो तुझे नहीं मालूम एड्स के विषाणु हमारे शरीर में अपना घर बना लेते हैं, उसके बाद उसे जो शिकार बांधते हैं उसको पता भी नहीं चलता है कि उसको कब शिकार बना लिया है, उसके बाद कुछ दिन बाद जाके वो अपने मौत के मुंह में चले जाते हैं। अरे राजू बता बता यार, क्या बता तो उस बीमारी के बारे में हम मेरे से बता दे। और चुप करो यार, सारा का सारा मूड चौपट कर दिया और फिर मुझे वापस मूड बनाने वास्ते अड्डा पीना पड़ेगा। वो तू चुप कर, अरे राजू बता दे यार इसके बारे में, मेरे से बता दे यार, मन नहीं बदलाएगा कुछ। हाँ मैं ये बता रहा था कि 7-8 साल बाद जाके जब वो एड्स की बीमारी हमारे शरीर में अपना घर बना लेते हैं, तब उसके बीमार होने वाला बंदा कुछ ही दिनों में मौत के मुंह में चले जाते हैं। ओ भाई बेटा इसी बीमारी से हमने दूर रहते हैं, हमारे भी लाज है बीमारी, तो बहुत भयंकर बीमारी है। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अस्पताल गया था, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एड्स की बीमारी दूषित सुई यानी कि बिना उबाले हुए सुई से अच्छा दूषित रक्त चढ़ाने से या अवैध यौन संबंध करने से, ठीक है, यहाँ तक की मादोरा बच्चों को भी हो सकता है। अच्छा जहाँ तक रही ये छुआछूत की बात, ये तो बिल्कुल गलत है। एड्स के मरीज हाथ जाने से या उनको छूने से बीमारी नहीं होती है। अच्छा। बल्कि ऐसे समय में हमारी मदद की जरूरत पड़ती है उनको। अच्छा। मैं तो ना जाऊँ। अबे यार तुम्हारी ये बकवास खत्म हो गई है तो मैं बंता सेंगे। ओ बंता सेंगे। अरे बाहर खड़ा खड़ा क्यों के मारा बिस्तर बढ़ जाना।
हाँ यार भीतर जाके देखे तो ठीक कह रहे हैं यार, भीतर जाके देखना चाहिए। देख पड़ा। अरे बंता सिंह क्या बात है, तू यहाँ पे लेटा हुआ है और तेरे घर पे भी कोई नहीं है? क्या कहूँ यार, जब किस्मत ही धोखा दे जाए तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अरे भाई ये क्यों बजावा भाई, अरे कोई सही बात बता रहे, क्या बात बता रही है तुमने? अरे तू चुप कर यार, तू बता यार बंता सिंह, जो भी परेशानी है हम दोस्तों को बता सकता है, अगर हम बुरे वक्त पर तेरे काम नहीं आएंगे तो दोस्ती कैसा? अरे यार तुम्हारी दोस्ती में कोई खोट नहीं राजू, तुम्हारी दोस्ती में कोई खोट नहीं, खोट तो मुझ में है, मुझ में जो तुम्हारे बार बार समझाने पर भी मैं ना समझ बना रहा, मुझ में जो तुम्हारे बार बार समझाने पर भी मैं ना समझ बना रहा यार। अरे भाई कुछ बात भी बता होगा, अरे सही सही बात बता, मात्रा बताओ और किस्सा बताओ तो। हाँ बंता, जो कुछ भी तेरे दिल में है हमें बता, हो सकता है हम तेरे लिए कोई रास्ता निकाल सके। कोई रास्ता नहीं निकल सकता राजू, कोई रास्ता नहीं, मुझे एड्स हो गया यार, मुझे एड्स, जादूगरनी पसंती के पास जा करके मुझे जानलेवा रोग एड्स हो गया और मेरी बीवी भी बच्चों के साथ मायके चली गई, उसने भी मुझे इस दुख भरे समय में अकेला छोड़ दिया यार। के मुंह में जाता रहा, अब तो बस मैं अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ यार। बंता सिंह मैंने तुझे पहले बहुत समझाया और एड्स कंट्रोल सोसाइटी के घर आ गई होगी। क्या बात है भाई जी, भाई जावेद जो भाभी जान को हॉस्पिटल जाना पड़ा, अबे कमाल करता है यार, तुझे बताना चाहिए था। अबे ये क्या बताएगा, अबे चल यार जल्दी से बता, अबे यारों से मत छुपा खुशखबरी। यार कोई खास बात नहीं है यार, बस मेरी बीवी को आज सवेरे ही लड़का हुआ है। अबे तेरी बीवी को बेटा हुआ है और तू तो ऐसे शर्मा रहा है जैसे तुझे बेटा हुआ हो। क्यों बेचारे को शर्मिंदा कर रहे हैं यार, कान चाहे सीधे हाथ से पकड़े या उल्टे हाथ से, मतलब तो कान पालने से है ना। अरे यार अब ये सब बंद करो, मैं घर जा रहा हूँ, वरना घर वाले दोनों हाथों से कान पकड़वा कर मुझे उठक बैठक करवाएंगे। अच्छा मैं चलता हूँ। चल ठीक है अभी तो तू जा, पर देख कल ठीक टाइम पे आ जाइयो, तुझे पता ना तेरे बिना महफिल में मजा नहीं आता। हाँ यार तू फिक्र मत कर, ये मेरा वादा है, मैं कर जरूर आऊंगा। ओके खुदा हाफिज। और सुन खुदा हाफिज, मैं बेटे की मिठाई लेता ही हो। पता नहीं किन गुनाहों की सजा हमें अल्लाह दे रहा है। ये रोने की आवाज क्यों आ रही है, घर में तो खुशियां मनाई जा रही थी। अम्मी खुशियां मनाई जा रही थी लेकिन तेरे कारण आज मेरी जिंदगी की सारी खुशियां का सुकून खत्म हो गया। या अल्लाह तू मुझे उठा ले। मेरी प्यारी अम्मी मुझे कुछ बतलाओगी कि मेरे कारण ऐसा क्या हो गया जिससे वजह से जिंदगी का सुकून और खुशियां खत्म हो गई? हाँ तेरे कारण आज मेरे घर का चिराग रोशन होने से पहले बुझ जाएगा। आज ही दिन में मेरे पोते को डॉक्टर ने एड्स बताया, बहू की जांच कराई तो डॉक्टर ने उसे भी एड्स बताया, दोनों को एड्स का मरीज बताया है डॉक्टर ने। लेकिन ये सब कैसे हो गया और मैं इस सब का कारण कैसे हूँ? तेरे नशे की आदत ने आज मेरा घर पूरा तबाह कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा बेटा अपने दोस्तों के साथ बैठ करके एक ही
नशे की दवाइयां लिया करता था जिसमें किसी एक को यह रोग रहा होगा और तुम्हारे समेत पूरे दोस्तों में फैल चुका। तुमने पोते और बहू को भी एक जैसी खतरनाक बीमारी लगा दी। डॉक्टर ने तो यह भी बताया कि 7-8 साल में एक ये भयंकर रूप लेकर दोनों की जान ले लेगी। यार ये तूने क्या किया? अम्मी अम्मी ये सब क्या हो गया? अम्मी मेरे गुनाहों की सजा मेरे डियर बच्चे को क्यों मिले? अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे गुनाहों की सजा मेरे बीवी बच्चे को भुगतनी पड़ेगी और मेरे परिवार वाले भी इसे पीटेंगे तो मैं ये गलती कभी नहीं करता। खुदा के लिए अम्मी हमें बचा लो। हमें आगे से नशीली दवाई नहीं लूंगा। जावेद अब ये सब मेरे हाथ में नहीं। मैं तुझे हमेशा मना किया करती थी कि नशे की आदत ना डाल, नशा घर बर्बाद करता है, लेकिन तू मेरी एक ना सुनी तूने। आज नतीजा तेरे सामने है। या अल्लाह तू मुझे उठा ले, तूने तो मेरा बुढ़ापा ही खराब कर दिया। जाने दे तूने क्या किया? या अल्लाह कि 7-8 साल में एक भयंकर रूप लेकर के दोनों की जान ले लेगा। या अल्लाह ये दिन देखने से पहले तूने मुझे उठा के डाल लिया। जावेद ये तूने क्या किया? तूने तो मेरा बुरा भाई खराब कर दिया। या अल्लाह रहम कर, मेरे गुनाहों की सजा मेरे बीवी बच्चे को क्यों मिले? अगर मुझे पता होता कि मेरे गुनाहों की सजा मेरे परिवार वालों को भुगतनी पड़ेगी तो मैं ये गलती कभी नहीं करता। या खुदा रहम कर। जावेद अब ये सब हमारे हाथ में नहीं। अब तो खुदा भी कुछ नहीं कर सकता। अब तो सिर्फ हम यही कर सकते हैं कि गली गली मोहल्लों में जा करके और आप पड़ोस को समूह बताए कि एक से एक ऐसी भयानक बीमारी है कि इसका इलाज कोई नहीं, जैसे हमारा घर बर्बाद हुआ और किसी का ना हो। तो देखा आपने, एक ही सुई, एक ही इंजेक्शन, एक दोस्त के साथ सारे दोस्तों के इस्तेमाल करने से ये वायरस कैसे फैला। एड्स यानी कि एमिनो एक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जैसा हम पहले बता चुके हैं, ये नाम है एक जानलेवा बीमारी का जिसका अभी तक दुनिया में कोई भी इलाज, कोई दवा, कोई इंजेक्शन इजाद नहीं हो पाया है। हाँ, कुछ परीक्षण चल रहे हैं जिससे कि कुछ इस तरह की दवाइयां इजाद हो सके कि कुछ पल के लिए मरीज की जिंदगी के कुछ दिन बढ़ सके या इस बीमारी से पूरी तरह छुटकारा पाया जा सके, लेकिन अभी तक ये इलाज संभव नहीं हो सका है। इसीलिए जहां तक संभव हो हम असुरक्षित यौन संबंधों से बचें और कंडोम का इस्तेमाल करें। दूसरा बड़ा कारण है दूषित रक्त। जहां तक हो सके हम रक्त चढ़वाने की स्थिति पर ना पहुंचे, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें कि हमें रक्त चढ़वाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी किसी कारणवश अगर हमें रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़े तो जांचा परखा रक्त ही हम अपने शरीर में चढ़वाने दें। अगर किसी कारणवश कोई दूषित मरीज रक्तदान करता है और वो रक्त दूषित है तो बड़ी आसानी से ये रोग हमें घर कर जाता है। तो जावेद अपने दोस्तों के साथ
इस बीमारी को तो ग्रहण कर ही गया, लेकिन अपने साथ साथ उसने अपने बीवी और बच्चे को भी मौत की चपेट में घसीट लिया। तो पहला कारण हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि हम असुरक्षित यौन संबंधों से बचें, जहां तक हो सके अपने जीवन साथी के साथ हम ईमानदारी बरतें, और अगर किसी कारणवश हम ऐसे संबंध बनाते भी हैं तो हमें सतर्क रहना होगा और हम इससे बचने के लिए कंडोम का इस्तेमाल करें। दूसरा बड़ा कारण रक्त, जहां तक हो सके हमें रक्त चढ़ाने से बचना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश अगर हम रक्त हमें हमारे शरीर को जरूरत पड़ जाए तो हम जांचा परखा रक्त ही चढ़वाएं, और अगर हमारे शरीर में हमें सुई या इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़े तो वो सुई हम देख लें कि क्या वो पूरी तरह से उबाली गई है या वो सुई डिस्पोजेबल है जो कि उसकी बीवी द्वारा बच्चे तक पहुंची। फिर भी किसी कारणवश अगर किसी को एड्स हो जाए तो ऐसे समय में उन्हें हमें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में उन्हें हमारी सहानुभूति हमारी मदद की आवश्यकता होती है। जहां तक हो हम उन्हें आदर और सम्मान दें, उनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद करें और निकट के चिकित्सा केंद्र या हॉस्पिटल में हम उनका इलाज कराएं। हमें किसी मरीज को छूने से ये रोग नहीं लगता है, जिस जिस कारणों से ये रोग लगता है वो सब हम बता चुके हैं, और हम यही चाहेंगे कि जहां तक हो हम सबको जहां जहां तक हमारी पहुंच जाती है हम सबको इस बीमारी के बारे में जानकारी दें। एक बार फिर हम सचेत करते हैं, हमारा मकसद डराना नहीं, आपको जानकारी देना है कि इस बीमारी से हमें कैसे कैसे बचना है, और अगर कारणवश किसी को ये बीमारी हो जाए तो हमें उसको ऐसे समय में पूरी मदद देनी है। एक ही इंजेक्शन या सिरिंज का एक से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल, जब एक व्यक्ति एक सुई या सिरिंज का इस्तेमाल करता है तो उस व्यक्ति का रक्त उस सिरिंज में खींच लिया जाता है, और वही सिरिंज जब दूसरे व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की जाती है, और यदि पहले वाले व्यक्ति को HIV पॉजिटिव हो तो दूसरे व्यक्ति को भी इसके होने का खतरा है। तो देखा आपने किस तरह एक ही सिरिंज के साथ जावेद समेत उसके दोस्तों ने नशे की आदत को पाला, जिसके कारण यह भयानक रोग जावेद के द्वारा उसकी बीवी और उसके आदिजन्य बच्चे को हो गया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमें इंजेक्शन का इस्तेमाल करना पड़े तो सुई कम से कम आधा घंटा पहले उबाली गई हो, और जहां तक हो सके यदि आप नशा लेते हो तो तुरंत उसका लेना बंद कर दें। जी हां, HIV वायरस जब एक स्वस्थ व्यक्ति पर हमला करता है तो वह उसके शरीर में घुसकर उसके भीतर की शरीर रोगों से लड़ने की शक्ति को समाप्त कर देता है। हमारे शरीर और उसके आसपास ऐसे अनेक विषाणु मौजूद किसी भी समय हमारे शरीर पर हमला करके हमारी सुरक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर सकते हैं, लेकिन HIV होने की स्थिति में कोई भी छोटे से छोटा विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करके एक भयंकर रोग का रूप धारण कर लेता है। ये थे कुछ कारण HIV एड्स होने के। यदि फिर भी किसी को एड्स हो जाए तो ऐसे समय में हमें एड्स के मरीजों को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ऐसे में उन्हें हमारी सहानुभूति और मदद की आवश्यकता होती है। जी हां, ऐसे समय में हमें चाहिए कि हम उनका पूरा ध्यान रखें, उनकी देखभाल करें, और जहां तक हो सके निकट के चिकित्सा केंद्र पर जाकर उनका उपचार करवाएं। तो देखा आपने, न जाने कितने ही लोग मौत के करीब हैं और न जाने कितने ही लोग अपनी मौत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आपने जानने का प्रयास किया कि आखिर वो क्या है जो आए दिन हमारे स्वस्थ समाज को मौत की इस गर्त की ओर धकेल रहा है, और मौत भी ऐसी भयानक कि जिसकी कल्पना मात्र से ही इंसान की रूह थर्रा उठे। तो आज हमने एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सौजन्य से ये बीड़ा उठाया है कि ये संदेश हम देश की हर गली हर नुक्कड़ हर घर तक पहुंचाएंगे। तो आइए बुलाइए हमारी आवाज के साथ आवाज, सुनो रे बेटा, सुनो रे बेटा, सुनो रे बेटा, एक तो देखी बात, दिल्ली सरकार ने एक शिविर लगाया, हम सबका फायदा हो ये जैसा शिविर लगाया, दिल्ली सुनो रे बेटा, सुनो रे बेटा, एक तो देखी बात, दिल्ली सरकार ने एक
डॉक्टर मुफ्त दवाइयाँ पाए, मुफ्त की जांच मुफ्त डॉक्टर मुफ्त दवाइयाँ पाए। सुनो रे भैया, सुनो रे बेटा, सुनो रे भैया, सुनो रे बेटा, एक बातें की बात, दिल्ली सरकार ने एक शिविर लगाया, हम सबका फायदा हो ये ऐसा शिविर लगाया, दिल्ली सरकार ने एक शिविर लगाया, हम सबका फायदा हो ये ऐसा शिविर लगाया। सुनो रे भैया, सुनो रे बेटा, आप मेरी इसी एक शिविर में हम सब फायदा उठाए, आखिर इस एक शिविर ने हम सब फायदा उठाए, परिवार स्वास्थ्य अभियान को मिलकर सफल बनाए, परिवार स्वास्थ्य अभियान को मिलकर सफल बनाए।